हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में 10th आरबीएससी मैथ के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज हम जनरली करेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d। दो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 को के बारे में बता दूं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद और पांचवें पद का अंतर 12 हो गया, तभी तो होगा ना कि सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है। तो आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी ज्ञात करनी मतलब पहला पद और सारा अंतर ज्ञात हो जाए तो पूरी समांतर श्रेणी ज्ञात हो ही जाएगी। चेक करते हैं कैसे करें। T3 बराबर 16 को मैं लिख सकता हूं 16 बराबर a प्लस 2d। T7 माइनस T5 इक्वल टू 12 है, तो T7 हो जाएगा a प्लस 6d और T5 हो जाएगा a प्लस 4d। दोनों का अंतर करें तो आ जाएगा T7 माइनस T5 जिसका मान 12 दे रखा है और a में से कट जाएगा 0 और 6d में से 4d कट जाएगा 2d। तो 2d का मान 12 दे रखा है तो d बराबर कितना हो गया 6। अगर d का मान 6 हो गया तो इसको यहां रख देते हैं तो a भी निकल आएगा, तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2d और d तो 6 है तो 2 6 12, तो a का मान आ जाएगा 4। तो a 4 आ गया और d 6 आ गया तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, पहले 4 फिर 4 में 6 जोड़ा तो 10, 10 में 6 जोड़ा तो 16, 16 में 6 जोड़ा तो 22। इस प्रकार से चलती जाएगी और हमें पूरी समांतर श्रेणी मिल जाएगी। फिर देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 6। सॉल्यूशन नंबर 6 में तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है, तो तीन अंकों की संख्या कौन सी होती है, 100 से 999 के बीच की संख्या। अब पहली संख्या जो 7 से भाज्य है वो आती है इधर 105, 101, 102, 103, 104 नहीं होगी। फिर आप ऐसे करते जाओ 105, 112, 119 और आप देखोगे कि लास्ट संख्या जो 7 से विभाज्य है वो आएगी 994। 995 वगैरह में भाग नहीं जाता। तो एक ही समांतर श्रेणी हमें टोटल मिल गई। हमें ये बताना है कि समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है। कुल पदों की संख्या को ये भी कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का ये कौन सा पद है। एन का मान ज्ञात करना है, ए का मान 105 है, डी का मान 7 है, इसे क्योंकि किसी भी अंतर को देखेंगे तो 7 आ जाएगा। टी एन बराबर 994 है और आपको निकालना है कि एन बराबर क्या होगा। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया है आपको पिछले लेक्चर में भी कि इसका फॉर्मूला ये होता है एन बराबर टी एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो टी एन का मान तो 994 है, ए का मान 105 है, डी का मान 7 है, उसमें 1 जोड़ तो 994, 14 में से 5 गया तो 9 बच गया, 9 में से क्योंकि इधर गया तो 8 रह गया ना, ये तो 8 हो गया और 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। तो 889 बटा 7 प्लस 1, तो 7 एकम 7 फिर 1, 7 दुनी 14 फिर 4, 7 49 और 1, देखिए ये ओवरऑल कितना आ गया 128। तो 994 इसका 128वां पद है, मतलब तीन अंकों की कुल 128 संख्याएं ऐसी है जो कि 7 से विभाज्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। इन दोनों ही चीजों में एक चीज पूछी गई है कि अंत से 12वां पद या अंत से 11वां पद बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें समांतर श्रेणी में पद प्रारंभ के स्थान पर अंत से बताना हो तो हम समांतर श्रेणी को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब हम अंत से 11वां पद निकालना है तो निकालेंगे तो हम अभी भी प्रारंभ से 11वां पद, लेकिन समांतर श्रेणी ये 10 7 4 ना लेकर -62 से स्टार्ट कर देंगे और इधर 88 से स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी श्रेणी अब ये बन जाएगी 88, 4 7 10। अब इसका हम अंत से 11वां पद नहीं प्रारंभ से 11वां पद निकालेंगे तो ए का मान तो 88 आ गया, डी का मान आ गया क्रमागत पदों का अंतर, तो यहाँ का पता नहीं है तो ये तो पता है, तो 7 - 4 = 3 आ गया। ए और डी पता चल गया, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो हम तो प्रारंभ से 11 पद ही निकालेंगे भाई। तो निकाल लेते हैं, ए का मान 88 हो गया, एन का मान 11 दे रखा है तो 88 प्लस 10 इंटू 3 तो 10 3 30, 30 में 88 जोड़े तो 88 30 118 हो जाएगा, 0 8 8 8 3 11, तो 118 आंसर आ जाएगा इसका अंत से 11वें पद का। सॉरी सब गड़बड़ हो गया, ये मैंने नीचे ऊपर का मिक्स कर दिया, दोबारा देख लेते हैं इसको।
एक्चुअली क्या है, ये -62 है अंतिम पद उल्टा करने पर और कोमा 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 4, 7, 10 यानी ए का मान -62 है और ये जो डी आएगा ना वो 7 - 4 यानी कि 3 आएगा और हमें एन का मान 11 दिया हुआ है, तो टी एन निकालना है टी 11। तो टी 11 के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ए -62 + n - 1 यानी 11 - 1 इंटू डी तीन हो गया, तो -62 + 30 क्या हो जाएगा -32। तो ये आंसर आएगा। और इसी तरह से अगर हम आठवें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो इसका रिवर्स करेंगे तो 88 आएगा और फिर 10, 7, 4, 1 आएगा। इसके लिए ए का मान तो 88 हो गया और डी जब निकालना है तो किन्हीं भी दो क्रमागत पर दो को घटा दो, 4 - 7 - 3 हो गया और हमें निकालना है इसका 12 पद। तो अंत से 12 पद निकालना था पर हमने इसको उल्टा कर दिया समांतर श्रेणी को, हम तो शुरू से 12 पद निकालेंगे। तो अब डी 12 का मान क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए तो हो गया 88 + n - 1 यानी 12 - 1 हो गया 11 और डी का मान हो गया -3। तो 88 - 33 आएगा और इसका आंसर आ जाएगा 55। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसमें कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी में कुल मिलाकर 60 पद हैं, पहला पद 7 है और 60वां पद 125 है, तो बताओ 32वां पद क्या होगा। तो इससे एक समीकरण बनाते हैं, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 125 बराबर ए प्लस 59 डी, ए का मान हमें 7 दे रखा है तो 125 बराबर 7 + 59 डी, तो डी का मान कितना जाएगा 125 - 7/59, 125 में से 7 गया तो 118 बचा, 59 करेंगे तो ये आ गया 2, तो डी का मान 2 आ गया और ए का मान तो ऑलरेडी 7 दिया हुआ है। अगर मुझे अब डी 32 निकालना है तो उसका तरीका क्या है, ए प्लस 31 डी, क्योंकि 32 में यहां रखेंगे तो 31 रह जाएगा, ए का मान हो गया 7, 31 डी का मान हो गया 2, 31 इंटू 2 हो गया 62 और 7 हो गया 69। तो इस प्रकार से 32वां पद आ जाएगा 69। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखना स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो उन संख्याओं को मैं a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d मान सकता हूं, जहां a प्रथम पद है और डी सार्वंतर है। तो अगले पद डी जुड़ते जाएंगे ना, उसमें a में डी जोड़ेगा तो a प्लस डी, और डी जुड़ेगा तो 2d, और जुड़ेगा तो 3d। ये चार पद हमें मिल गए। अब ये कहा गया है कि इन सबका योग 50 है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 1, 2, 3, 4 ए प्लस डी और 3, 3 और 3, 6, 6d बराबर 50 दे रखा है। 2 का भाग दे दूं मैं तो 2a + 3d बराबर 25। एक और चीज कही गई है, ये तो एक समीकरण हो गई, एक और चीज कही गई कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है, मतलब a प्लस 3d जो है ना वो a का 4 गुना है, यानी 4a हो गया। तो यहां से आ गया 3d बराबर 3a, क्योंकि 4 इधर जाएगा तो 3a रह जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करने पर 3 से 3 कट गया, यानी ये पता चल गया कि a और d तो बराबर ही है। अब a और d बराबर है तो इनके मान भी ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके मान ज्ञात हो जाएंगे तो सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। तो किसी भी एक समीकरण में a और d को बराबर लिख दो, जैसे यहां लिख देते हैं हम, तो 4a + 6a = 50, तो 10a बराबर हो गया 50, यानी a का मान आ गया 5, तो d का मान भी आ गया 5, यानी संख्या में प्रथम पद 5 है और सार्वंतर 5 है, तो पहली संख्या क्या हो गई 5, दूसरी हो गई 5 + 5 = 10, तीसरी हो गई 15 और चौथी हो गई 20। इस प्रकार से सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 + 10 = 15 + 15 = 30 + 20 = 50, और जो चौथी संख्या है वो पहली संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। तो संख्याएं आ गई 5, 10, 15 और 20। इस प्रकार से ये पूरी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।